हाय तो दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल? आज आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए और थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए हम लेकर आए हैं फनीएस्ट मोमेंट का 19वां भाग। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक पौवा पीकर किसी भी आदमी में कितनी ज्यादा ताकत आ सकती है, ये आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और भी देखने को नहीं मिल सकता। अरे भाई साहब, इस बंदे ने तो हद ही पार कर डाली। दारू का नशा ऐसे चढ़ा कि बंदा पुलिस को भी चिढ़ाने लगा। जी हाँ, जब इस ऑफिसर ने उसे आगे जाने के लिए कहा तो जनाब उसके सामने नखरे दिखाने लगे और अजीबोगरीब सा डांस करने लगे भाई। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पुलिस को हल्के में लेने लग जाए। ये तो बल्कि कई बार उनके मूड पर ही डिपेंड होता है कि कोई बच जाता है, वरना सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद इन लड़कों ने सड़क पर जो गंद मचाया उसे इन ऑफिसर ने इसे पूरी तरह से पास खड़े होकर साफ भी करवाया। उनको अपने किए गए इस कांड पर तुरंत ही शर्मिंदा होना पड़ा। बस इतना ही नहीं दोस्तों, जरा मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई इस फुटेज को भी देखिए, जिसमें देखने को मिला कि कुछ लड़के सड़क पर जाते वक्त बहुत ही जोर जोर से भोंपू बजा रहे थे भैया, लेकिन फिर पुलिस ने दोस्तों ऐसी सजा दी जिसे ये बूढ़े होने के बाद भी नहीं भूलेंगे। कैसी लगी आगे स्वाद? ना केवल पुलिस कर्मियों ने इनसे उठक बैठक करवाई, बल्कि दोस्तों एक दूसरे के कान में भोंपू बजाकर ये महसूस भी करवा दिया कि जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो लोगों को कैसा लगता है भाई। चुनावों के दौरान ऐसी कई सारी वीडियोस निकल कर सामने आती है जो हम सबको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देती है। सोचे हैं इस बार रोड का समस्या ही खत्म कर देंगे। क्या करेंगे क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर ले लेंगे। लेकिन क्या आपने हरियाणा के एक सरपंच प्रत्याशी का चुनावी पोस्टर देखा जिन्होंने हद ही पार कर दी, जितने के बाद पूरे किए जाने वाले वादों को लेकर एक ऐसी लंबी लिस्ट बना दी जिसे देखने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे। इसमें लिखा था कि गांव में 3-3 हवाई अड्डों का निर्माण होगा। अच्छा। औरतों के लिए फ्री मेकअप किट भैया। ठीक है। पेट्रोल 20 रुपए लीटर। ठीक है। GST टाटा बाय बाय खत्म। मैं नहीं मानता। गैस सिलेंडर की कीमत मात्र 100 रुपया भैया। हर परिवार को एक बाइक। युवकों के लिए सरकारी नौकरी और फ्री वाईफाई के साथ साथ नशेड़ियों को एक दारू की बोतल देने का वादा किया, वो भी रोज। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकने वाला हमें कोई भी नेता नहीं मिला आज से पहले, क्यों? अगर ये सभी वादे सच हो गए तो हम भी अपने घरवार अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर इसी गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। मस्त प्लानिंग। अब शराब इन चचा जी से मिली है जो कि इस लाइट को लेकर यहां से जा रहे थे, लेकिन तभी ऊपर टंगा हुआ लाइट वाला कटोरा उनके सर पर गिर गया। पर लगता है कि जनाब को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वे काफी देर तक इधर उधर उसे ढूंढते रहे। अब तक हम सब ने पुलिस द्वारा नाकाबंदी पर रोके जाने वाले कई लोगों के तरह तरह के बहाने लगाते हुए वीडियोस तो देखे होंगे, मगर इन जनाब ने तो हद ही पार कर दी। यहाँ पर 4 सवारी बिठाकर ये लोग बाइक चला रहे थे, लेकिन तभी जब पुलिस ने इन्हें देखा तो उनका चलान काटना चाहा, मगर इसके चलते ये जनाब नाटक करने लगे कि इन्हें कुछ हो रहा है। 4 सवारी बाइक पे बैठी हुई थी, उनको रुकवाया है, उनको पवन आया है, धुआन आया है, ये गुजरात के है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब कुछ इसी प्रकार से लोगों समेत पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर देने वाला ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ मैडम ने 100 नंबर पर इसीलिए कॉल किया क्योंकि उसका खुद का पति उसे अपने साथ सोने के लिए कह रहा था, मगर देखने पर पता चला कि मैडम ने शायद दारू पी रखी है इसलिए ये ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। जब पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की तो मैडम उल्टा पुलिस पर ही भड़क गई। भाई 112 नंबर फोन किए थे तुम? हाँ, 112 नंबर पे मैंने कॉल किया था धनीराम की वजह से। क्या बात हो गई कि धनीराम कह रहा मेरे साथ पर, मैं छोड़ छुट्टी दे चुकी हूँ, मैं उसके साथ नहीं पढ़ सकती। अब क्या चाहती हूँ? अब मैं इसको तलाक चाहती हूँ और जॉन जॉन ने वो दिया है, ओ आजा रात के आजा और 1 घंटा रे और भाग जा।
अब साथियों हर एक शादी में भाग दौड़ तो काफी होती है, दोनों परिवारों में काफी ज्यादा थकावट हो जाती है और हमारे दूल्हा और हमारी दुल्हन को सोने का मतलब अलग अलग सोने का भी अब मौका नहीं मिलता। लेकिन अब जरा आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर दुल्हन ने अपनी नींद को पूरी करने के लिए ये बढ़िया जगह ढूंढ ली है भाई। साथियों हमने आज तक अपने चैनल पर कितने ज्यादा चोरों के वीडियोस आपको दिखाए हैं, उन्होंने ऐसी चीज को चुराया जिनकी वाकई में जरूरत उनको होती है, मतलब उसके बदले उन्हें पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अब जरा आप इस चोर की हरकत पर नजर मार डालिए, जिसने घर के बाहर सूखने रखी महिलाओं की अंडर गारमेंट को चुराने का ऐसा शौक पाल रखा कि किसी दिन इसका यही शौक इसे मरवा देगा अगर किसी ने देख लिया। गौर से देखिए इस वैशी दरिंदे को। अब जरा दोस्तों इस वीडियो फुटेज को देखिए, ये लोग कोई बुद्धू नहीं है जो इस तरह ट्रेन ऊपर से जा रही है और खाली जगह होने के बावजूद भी नीचे से गुजर नहीं रहे, बल्कि इन्हें तो असली डर है कि भैया ट्रेन में कोई हग्गू मुक्की करने ना बैठा। लेकिन अब जरा आप एक नजर मंद बुद्धि लोगों पर डाल लीजिए, जब ये जनाब यहाँ से गाड़ी लेकर गुजरने लगे तो बीच में रखा हुआ ये प्लास्टिक का डिवाइडर आ गया, तो ये जनाब को शायद जल्दी थी इसलिए गुस्से में उसे साइड तो कर दिया। लेकिन दूसरी गाड़ी वाला भी आता है और वह भी शायद आज अपनी घरवाली से डांट खाकर आया होगा, जिसने फिर से उसे पहले आए जनाब की गाड़ी के सामने कर दिया और फिर ये खेल बहुत लंबा चला भाई, बहुत लंबा। अगर आपको क्रिकेट से लगाव है तो क्रिकेट आपका पहला प्यार है तो इस वीडियो को देखिए, शायद ये आपको देखकर कंफ्यूज भी कर जाएगी कि ससुराई आउट है या फिर नॉट आउट। आपके अलग अलग विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। अब एक नजर आप इस वीडियो पर भी डाल लीजिए जो कि हाल ही में बिहार से जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक महाशय अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गए क्योंकि प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि घर पर कोई नहीं है भैया, जल्दी आ जाओ बाबू। लेकिन जब बेचारा उसके घर पहुंचा तो अपनी प्रेमिका को मिला तो उसके साथ उसे पूरा घर भी हाउसफुल मिल गया, जिसके बाद क्या था, लड़की के परिवार वालों ने लड़के के हाथों लड़की की मांग भरवाई और दोनों की तनातन शादी हो गई भैया। ये तरीका भी मस्त है भाई। इस भाई को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगा कि जैसे इसने अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड रखे हैं। हमें कोई बड़ी हस्ती लगी कि भैया ये पक्का कोई बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा एक खिलाड़ी, मतलब कुछ है ये बहुत बड़ा। लेकिन पीछे देखने पर पता चला कि ये तो गली का चोर चक्का था भाई, जिसे पकड़ कर ले जाया जा रहा था। भाई का एटीट्यूड तो ऐसा है कि मतलब चकमा खा गए हम भी यार। साथियों आपको फेमस बॉलर बुमराह तो पता होगा, लेकिन अब जरा आप मिलिए उनके डाई हार्ट और क्यूट फैन से, जिसने जब ऑस्ट्रेलिया में मैदान पर खेल रहे बॉलर को आवाज लगाई तो बेचारे ने उनका ऐसे नाम लिया जैसे सुनकर आधा स्टेडियम पेट पकड़ कर हंसने लगा और वीडियो जमकर वायरल हो गई। बुमराह बुमराह। अब यार जिस तरीके से ये मधुमक्खी इस ड्रिल मशीन के साथ चिपकी हुई है, उतरने का नाम नहीं ले रही। कुछ इस प्रकार की एक बंदी एक गर्लफ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना यार, जो मुश्किल टाइम में भी मेरे साथ खड़ी रहे और कहे कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे एक बात तो है दोस्तों, जितना मजबूत जोड़ी से इंसेक्ट का उतना तो फेविकोल का भी नहीं होता भाई। अब जैसे कि आप इस बंदे को देख लीजिए जो कि पता नहीं आज कौन सा सस्ता नशा कर आया है भैया, फिर शायद से कोई मिस्टर बीन का एपिसोड देकर आया है, जिसके चलते ये उल्टा काम कर रहा है। इन भाई साहब ने रूल्स को नहीं तोड़ा, इसी वजह से तो साइड से निकल रहे रास्ते में भी ये नहीं गए, अरे बंद किए हुए रास्ते से नीचे से अपने ये क्या कर रहा है भाई देखो। अब जैसा कि आप इन अंकल जी को देख लीजिए जिन्होंने पैसे कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका निकाला, और कुछ लोग जो भारी बारिश के चलते अपने पैर भीगने से बचना चाहते हैं वे इनकी इस छोटी सी गाड़ी में सवारी कर रहे हैं। वाह। अब दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो में लगाया गया गाना कैसे पुलिस की गाड़ी के साथ मैच कर रहा है, उसका एक एक इशारा गाने की एक एक धुन के साथ मिल रहा है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, दो वीडियोस या चार वीडियोस आपको देख रहे होंगे, इन्हें देख लीजिए यार, बहुत कमाल की वीडियोस। ओके बाय।